तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें यह गिवन है कि एक सर्कल है जो कि ओरिजिन यानी कि 0,0 से पास होता है एंड उसका एक्स इंटरसेप्ट है ए एंड वाई इंटरसेप्ट है बी। तब हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना यह एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास होता है। माना इसका सेंटर है सी जिसके कोऑर्डिनेट से एच कॉमा के। अब सिंस क्वेश्चन में यह गिवन है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा ए के इक्वल, दैट मींस यदि हम इस पॉइंट को ए कंसीडर करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा जीरो। एंड क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि वाई इंटरसेप्ट है बी के इक्वल, तो यदि हम इस पॉइंट को बी अज्यूम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,b। एंड जो इस सर्कल का सेंटर है सी वह ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा, दैट मींस सी के कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं ए प्लस 0/2, 0+b/2। अब सिंस हमने अज्यूम किए थे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के, दैट मींस पॉइंट एच कॉमा के ए प्लस 0/2, 0+b/2 के इक्वल ही होगा। तो यदि हम इन्हें कंपेयर करें तो यहां से h की वैल्यू होगी a/2 के इक्वल एंड k की वैल्यू होगी b/2 के इक्वल, दैट मींस हमें h एंड k की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब हमें इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं जो कि होंगे a/2, b/2। अब हमें सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, अब हम इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सर्कल जो कि ओरिजिन से पास होता है उसकी रेडियस होती है √h2+k2, जहां h, k उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एंड h एंड k दोनों की ही वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें r² की वैल्यू मिलेगी a² + b² / 4। अब हमें इस सर्कल का सेंटर भी पता है एंड इसका रेडियस भी पता है, तो हम जानते हैं कि सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है। इसमें जब हम h, k एंड r² की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, जिसे हम आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।